आपके लिए क्लास? नहीं, उसमें ये है कि टीवी में जब पर्दे पे काम, मैंने टीवी में ऑन स्क्रीन काम नहीं किया, बिहाइंड द कैमरा किया है एज ए क्रिएटिव और एज ए राइटर। दूसरी बात यह है कि मैंने साथ साथ कभी नहीं किया, मेरी जिंदगी में कभी दो नाव का सवार नहीं रहा। मैं एक तरफ से स्विच करके गोदाम बंद करके ताला लगा के फिर दूसरी तरफ बढ़ता हूँ, तो वहाँ से मैंने पूरी तरह से एकदम बंद करके वो काम, तब मैंने इधर, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो मल्टी टास्किंग एंड मल्टी टैलेंटेड, एक मल्टी टैलेंटेड एंड सिंगल टास्किंग। तो मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं, मैं राइटिंग भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, व्हाटएवर, मैं मतलब, लेकिन मैं मल्टी टास्क हैंडल नहीं कर सकता, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं एक टाइम पे एक ही काम कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब आप एक टाइम पे एक काम करते हैं तो ही आप 100% दे सकते हैं उसमें, नहीं तो आप बट जाते हैं थोड़ा थोड़ा। लॉजिकल जवाब ये है कि जब हम वो किरदार जी रहे होते हैं तो हम उसमें होते हैं, और हम वो जो चीज़ें हम बोलते हैं वो बोलने के लिए नहीं बोलते, वो हमारे अंदर से निकलती हैं, को एक्टर के रिस्पॉन्स पर निकलती हैं या उस वक्त की सिचुएशन पर निकलती हैं। ये मैं हमेशा से इसको एक बेईमानी मानता हूँ वो मीडिया की तरफ से, जब वो किसी भी एक्टर को बोल के ये बोल के दिखा दो, क्योंकि तो उसकी कला का डिसरेस्पेक्ट है। क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि मतलब एक्टर कभी भी रिमोट से चलने वाला गुड्डा नहीं है कि आप चाबी भर दो वो शुरू हो जाएगा। हर एक्टर उस काम के पीछे अपना पसीना बहाता है, अपना दिमाग और अपना सब कुछ एनर्जी लगाता है, तब उन पलों में वो पहुँचता है। और जब कोई अचानक उसको बोलता है कि यार ये बोल के दिखा दो, तो वो उस वक्त अगर वो मजबूरी में बोल भी दे, मैं आपसे दोस्ती बनाए रखने के लिए अगर बोल भी दूं, तो इस वक्त मैं अपने ही करे धरे पे पानी फेर रहा हूँगा, क्योंकि जो मैंने उस वक्त किया था वो 100% था, अब जो मैं अगर बोल भी दूं तो वो 10% होगा, तो मेरे खुद का ही मजाक हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एग्री नहीं करता। हाँ, बिल्कुल, मैं आपका इस पे सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जब से टीवी मीडिया आया ना विश्वास, तो हम जब इंटरव्यूज करते थे तो बीच में हमें ये पता चला कि दर्शक ना उसको जोड़ते हैं आपके किरदार को, तो अगर बातचीत के दौरान अगर कोई कंफर्टेबल होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ इफ यू कंफर्टेबल, बहुत लोग करते हैं, मैं कहता हूँ 90% लोग शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये वैसे ही है जैसे 90% लोग जाके आधे पेज का वो देखते हैं और ऑडिशन दे आते हैं। मुझे अगर बोले, मैं उनको बोलता हूँ कि वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे अगर कोई आधे पेज की स्पीच दे और बोले ऑडिशन दे, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे उसके आगे पीछे दाएं बाएं की पूरी दुनिया समझनी होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्रिप्ट दे दो, पहले स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, उसके बाद मुझे ऑडिशन से कोई दिक्कत नहीं, मैं 1000 ऑडिशन दूंगा, जब तक देता रहूँगा जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएं। लेकिन उससे पहले ये मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इस स्क्रिप्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ कि नहीं। पता लगा मैंने ऑडिशन दे दिया और जब मेरे पास बाद में स्क्रिप्ट आई वो एकदम वाहियात स्क्रिप्ट है, और मैं आपको बोलूं कि नहीं यार मुझे नहीं करनी, तो ये तो आपका और मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना उस ऑडिशन में। तो ये खैर, घूम फिर के वापस उस बात पे आता हूँ कि वो लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं जो इमीडिएट स्विच ऑन स्विच ऑफ करके कर देते हैं। मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे तैयारी की ज़रूरत पड़ती है और उसी में मुझे लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे पाता हूँ।